पुलिस का डर अपराधियों को बिल्कुल नहीं रह गया, जिसके चलते दिन ब दिन दुष्कर्म जैसी घटनाएं बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसी ही घटना हमीरपुर ज़िले के भरुआ सुमेरपुर थाने में एक केस दर्ज है, जिसमें 17 वर्ष की लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। वाले घर गए थे तो फायर के 1 बजे अपने बच्चा गाय के बच्चे उनको पानी पिलाने गए थे, तो उधर सत्ता खड़ा था गौशाला के सामने फाटक के, तो हमें बुलाया तो हम अपने दरवाजे में खड़े हो गए, तो वो कह रहा था चलो इधर, तो हमने मना कर दिया, तो वो ज़बरदस्ती हमारे साथ में करने लगा और हम चिल्लाने लगे, तो वो मतलब ले गया हमें, और ले जाने के बाद गौशाला के अंदर तालाब है उधर बैठाया, उधर 3 लड़के और थे, मुंह बांधे थे काले साफ़ी से, और पता नहीं हमें क्या सुंगा दिया है, तो हमें होश नहीं रहा, हमारे साथ में मालूम नहीं क्या क्या किया। शाम की जब बारिश हुई है जब हमें होश आया है, और मतलब धमकी हमकी दी थी मारने आने की, कट्टा अट्टा दिखाया था, और जब शाम के होश आया हमें, तो मतलब हम गौशाला के कमरे में थे, तो उधर हमारे कपड़े अपने शरीर में नहीं थे एक भी, और जब मतलब पुलिस आई है तो हमें मतलब पेड़े वेड़े में चढ़ाए रहे हैं, और फिर जब वो सब भग गए थे, एक लड़का बचा था हमारे पास, तो मतलब वो पुलिस से बात कर रहा था, कह रहा था साहब मैं लड़की को सही सलामत भेज रहा हूँ घर, और उसे तुम लोग जाइए आप इधर से, तो वो मुझे ले गया, मुझे मतलब कट्टा दिखाया है और तार आर चिटकाए, और फिर ले जाके गली में मेरे साथ में फिर बदतमीजी की है, तो मैं अपनी जान देने के लिए जाने लगी हूँ, तो उसने मुझे पकड़ के धींक लिया है, और जब उधर पुलिस देखी है पुल के पास, तो उधर मुझे फिर बैठा दिया, कह रहा था अब तुझे मार डालूँगा तुम आगे नहीं जाओगी, तो हम नहीं गए, और फिर उधर ले जाने लगा है, तो फिर जब चली गई पुलिस, जब मुझे भेजा कह रहा था तुम सीधा घर जाओगी, नहीं तुम्हें हम अब मार डालेंगे तुम्हें जान से, धमकी हमकी दे रहा था, कह रहा था तुम्हारे भाई को और तुम्हें और तुम्हारे पापा को मार डालेंगे हम। एक का नाम है सत्ता और एक जो हमें ले गया था घर, तो उसका का नाम रजेश नाम है। कितने समय 11 बजे भेजा था हमें, रात की 11 बजे। और आप कितने समय? हम 1 बजे दोपहर के गए थे उस वाले घर। आपने इसके लिए कोई कंप्लेन की है? जी मैम, उधर ले कहा था थाने में, तो वो लोग मतलब पहले हमने 4 लोग को बताया था, वो लोग ने 3 लोग को लिखा था, और फिर जब दोबारा बयान हुआ हमारा, तो फिर उधर 2 लोग को लिखा है बयान, और हमारे बयान पूरे सही नहीं लिखे गए हैं, जब हमने हमीरपुर में लिखाया उधर मतलब लिखे गए हैं हमारे पूरे बयान, और भरुआ में नहीं लिखे गए हमारे पूरे बयान। क्या क्या इंसाफ चाहती हैं? हमें इंसाफ चाहिए। क्या चाहती हैं उन आरोपियों के लिए? उन आरोपियों के लिए सजा मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए उन्हें, नहीं तो मैम हम अपनी जान दे देंगे। जब आपकी लड़की आपको मिली थी तो उसकी स्थिति क्या थी, और क्या लगता था आपको उसको देख करके कि क्या हुआ है आपके साथ? हम जब हार से आए हमारे लड़के ने बताया, तो हमारे लड़के ने बताया रोया, तो हमने फिर सबको सूचना की, तो हमारी लड़की जब मिली तो हमने तो बहुत गंभीर थी, सब कपड़े फटे थे और सब हुआ थी, और 1 बजे से 11:30 रात में मिली हमें लड़की, अगर इतना घोषणा न करते तो न मिलती। अब ये समझो कि हमारी लड़की के लिए एक तो क्या निर्णय नहीं मिल रहा है, और ना हमारी लड़की का नहीं इंसाफ मिल रहा है, ना हम लोगों को मिल रहा है, अब बताइए हम इसके आगे हम क्या कर सकते हैं। आपने पुलिस कंप्लेन करवाई है? पुलिस कंप्लेन कराई है, उसमें नहीं कर रहा भाई, कह रहे हैं कि चल रही है, मगर हमें समझ में नहीं आ रही कि हमें हो रही है। केस क्या लिखा गया है? छेड़खानी का केस लिखा है, और हमारी लड़की के साथ में बहुत बुरा हाल हुआ है, देखने से समझ में नहीं आ रहा कि बहुत स्थिति खराब थी। क्या केस लगा है? छेड़खानी का केस लगाया है, और हम चाहते हैं कि जो हमारे बेटे के साथ हुआ तो रेप केस नहीं लगा रहे हैं, और हम माई बिटिया कहनी बहुत गंभीर थी।
अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया? एक्शन नहीं ले रहा है और कम बहुत दिन हो गए हैं और कोई सुनाई नहीं है, न जानकारी मिल रही है कि क्या हो रहा है। रिपोर्ट नहीं आई अभी लड़की की, डॉक्टर की रिपोर्ट नहीं आई। नहीं आई है। आपकी लड़की ने कहाँ कहाँ बयान दिया है? भरुस में, हमीरपुर में, कोर्ट में भी दिया है। जितनी जल्दी हो सके हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस को एक सूचना मिली जिसमें एक लड़की द्वारा ये एप्लीकेशन दी गई पुलिस में कि उसके साथ कुछ लोगों ने छेड़छाड़ की है। इस लड़की का मेडिकल कराया जा रहा है और कोर्ट के समक्ष उसके बयान कराए जा रहे हैं और जिन लोगों पर इसने आरोप लगाया है FIR में, उनमें से 2 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया है और उनकी पूछताछ करके उनको न्यायिक रिमांड हेतु भेजा जा रहा है। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।